ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि गाइस अगर आप लोग अपनी फोटो को फोन से क्लिक करके एंड पिक्सआर्ट में एडिट करते हो तो गाइस आप सभी को पता होगा कि गाइस फोन के मतलब की फोटोज जब पिक्सआर्ट में एडिट करते हैं तो उसकी क्वालिटी को काफी ज्यादा लॉस होता है, जिसके वजह से गाइस वो फोटो हम इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं कर पाते हैं। अपने मतलब कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया जितने भी ऐप हम यूज़ करते हैं उनके हम फोटोज़ को अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गाइस जब तक यार फोटो अच्छी क्वालिटी में नहीं होगी तो यार हम कहीं पोस्ट नहीं करेंगे, ऐसे तो यार हमारी बेइज्जती होगी, तो गाइस ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। तो गाइस आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताऊंगा कि गाइस अगर आप लोग पिक्सआर्ट में एडिट करने के बाद आप अपनी फोटो की क्लियरिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपकी फोटो एडिट करने के बाद अगर केबी में हो जाती है तो गाइस आप उस फोटो को एमबी में कैसे करोगे, सब कुछ आपको इस आज वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप लोग गाइस वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल कंप्लीट देखना, एंड गाइस मैं आपको एकदम मतलब कि 100% गारंटी दे सकता हूँ कि गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे और समझ लोगे तो गाइस आप लोगों का जो फोटो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी एंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी। एंड गाइस मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो गाइस मैंने आप सभी को पहले अपनी ये जो फोटो है हमारी जिसका मैं अभी यहाँ पे क्वालिटी इंक्रीज करने वाला हूँ उसका गाइस मैं पहले आप सभी को साइज़ दिखा देता हूँ गाइस की कितनी एमबी की फोटो है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली जाएंगे डिटेल में, एंड गाइस डिटेल में जाने के बाद आप देख सकते हैं गाइस हमारी ये फोटो है 221 केबी की फोटो है, ठीक है, एमबी में भी नहीं है अभी, हम इसको लेकिन एमबी में कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ऐसे चलेंगे बैक जाने के बाद गाइस आपको गाइस ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको, ठीक है। तो इस वाले ऐप को डाउनलोड करना है, एंड गाइस ज़्यादा मतलब कि कोई पेड ऐप नहीं है, फ्री ऐप है, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको ओपन करना है, एंड गाइस ओपन करने के बाद गाइस आप सभी को ना कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जैसे जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा ये सब दिख जाएंगे फिल्टर्स, तो आप इनको देख लेना ऐप को डाउनलोड करने के बाद। बाकी जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम चलते हैं। फिर आप सभी को ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड गाइस आपको यहाँ से अपनी वो फोटो सेलेक्ट करनी जिसका गाइस आपको उसका क्लियरिटी बढ़ाना है। तो गाइस मैं अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करके, एंड इसका यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे जो फ्री ऐप है ना गाइस, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐड मिलेगा देखने को, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। 15 सेकंड या 20 सेकंड का ऐड आता है तो आप लोग वेट कर लेना, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा स्किप कर देता हूँ। सो गाइस ऐड खत्म होने के बाद आप सभी के सामने आएगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो कोई ऐप वो डाउनलोड के लिए मांगेगा, तो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग चल रही है, तो गाइस मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये हमारा बिफोर जो गाइस अभी हमने यहाँ पे इसको ऐड किया फोटो को, जो भी आपने आपको केबी में दिखाई थी फोटो, एंड गाइस देखिए इस ऐप में जाने के बाद गाइस देखिए ये कुछ इस टाइप की ऐसी क्लियरिटी हो गई है इसकी, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी भी एमबी दिखाऊंगा कि मतलब कितनी एमबी की हमारी फोटो बनी है। तो गाइस मैं पहले जूम करके दिखाता हूँ आपको क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखिए ये गाइस ये हमारा बिफोर है, ठीक है, एंड ये बिफोर है और ये हमारा आफ्टर है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी मतलब कि कितनी ज़्यादा मतलब कि इंप्रूवमेंट आई है फोटो में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली जो ब्लू वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड यहाँ पे कुछ 5 सेकंड की एड आएगी, ठीक है। तो आपको उसको एड को देखना है, ठीक है, एंड इसको एड को देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कट वाला ऑप्शन क्लिक करके एंड यहाँ पे कट कर देना है। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गाइस इसकी जो मतलब कि क्वालिटी कितनी हुई है फोटो की हमारी, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं वापस से गैलरी में, एंड गैलरी में जाने के बाद गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाता हूँ फोटो। तो ये तो हमारी वो पहले वाली फोटो थी, तो ये जो भी हमारी सेव होगा ये वो फोटो हमारी ये वाली है, ठीक है। तो ये वाली है, हम इस पर सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एंड 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे हम डिटेल में जाएंगे, एंड डिटेल में जाने के बाद गाइस आप देख सकते हैं 2.7 MB की हमारी ये फोटो यहाँ पे बन चुकी है। सो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।